नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर राजनीति चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सब के बीच अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी नए विवादों में घिरती नजर आ रही है। अब दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में मसाज कराते हुए वीडियो सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनीति में सब कुछ जायज है, राजनीति कुछ चीज ही ऐसी है। अगर भला इंसान भी सियासत में आ जाए तो वो भी इसके रंग में रंग ही जाता है। अन्ना आंदोलन से जन्मी ईमानदार छवि वाली आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं रही। आज केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। चर्चित घोटालों के रोज नए नए स्टिंग और वीडियो सामने आ रहे हैं। ताजा वीडियो तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का है। वीडियो में सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सत्येंद्र जैन बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं और कोई दस्तावेज देख रहे हैं। एक शख्स उनके पैरों की मसाज कर रहा है। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही है। आप जरा वीडियो देखिए। इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप सरकार ने जेल नियमों का उल्लंघन किया और सजा की जगह सत्येंद्र जैन को पूरा वीवीआईपी मजा दिया जा रहा है। कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है, क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? और बहुत अहम बिंदु हम ये भी उठाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी, दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। जो दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करने की जरूरत होनी चाहिए, वो केजरीवाल साहब अपने एफएम सत्येंद्र जैन जी के लिए मसाज सेंटर जेल में उपलब्ध करा रहे हैं। आपको पता है कि केजरीवाल जी के एफएम यानी फंड्स मैनेजर सत्येंद्र जैन, जो कि ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर पिछले लगभग 5.5 महीने से जेल में बंद है, और जेल में वो सुविधाएं उठा रहे हैं जो जेल का कानून नहीं कहता है, जो कोई नियम नहीं कहता है। एक आम इंसान की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया, उनके खासम खास सत्येंद्र जैन को ये सुविधाएं इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वो मंत्री हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार देखता है, तिहाड़ जेल का मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी देखते हैं। और जब अभी कुछ दिन पहले इस तरह की बातें सामने आई कि मसाज उनकी चल रही है वहां पर, वो मोबाइल पर बात भी हो रही है, उनको घर से खाना भी ताजा ताजा मिल रहा है, उनको गवाहों से बातचीत करने के लिए छूट मिल रही है, जेल के अंदर पार्टी भी हो रही है, ये और कोई नहीं कर रहा है, ये खुद केजरीवाल के फंड्स मैनेजर सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री भी हैं,
उनको जेल में सुविधाएं मिल रही। बता दें, इस वीडियो से पहले ही सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ईडी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जेल प्रशासन उनसे मिला हुआ है। बता दें, इस संबंध में ईडी ने समस्त डेटा गृह मंत्रालय को भी दिया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। गौरतलब है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। जैन पर कथित आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से लगभग 16 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया। जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, तब सीएम केजरीवाल ने केस को झूठा बताया था और सत्येंद्र जैन सहित पूरी आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार कहा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। वैसे तो सीएम केजरीवाल ईमानदारी का ढोल पीटते थकते नहीं, लेकिन जब उन्हीं के एक मंत्री जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद है, वो जेल में भी सुख सुविधाओं का आनंद कैसे ले रहे हैं? इस वीडियो के बाद जेल प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो के बाद सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती है या नहीं। दिल्ली में सियासत मची हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों में चल रही। एक वीडियो वायरल होता है सत्येंद्र जैन की। बीजेपी ने कहते हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर भी वीवीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो रहा है। इसको लेकर आम बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर तंज कसती हुई नजर आ रही। वहीं मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वीवीआईपी कल्चर नहीं, सत्येंद्र जैन की हालत खराब होने के कारण उनका इलाज चल रहा है और बीजेपी लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करे, क्योंकि सत्येंद्र जैन को भले ही बीजेपी झूठे केसों में जेल में रख सकती है, ईडी के कस्टडी में रख सकती है, लेकिन हम पराजित नहीं होंगे, हम विजय होंगे और आने वाले समय में हम जल्द ही हर चुनाव जीतेंगे, या एमसीडी चुनाव या गुजरात चुनाव हो। इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन का हवाला देते हुए बीजेपी पर एक तंज कसा है। अब देखने वाली बात होगी कि मनीष सिसोदिया दिल्ली की जनता को लेकर कितने खड़े हो सकते हैं। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।